hello students, how are you all? i hope you all are fine. today we are going to study a next chapter of your sst book that is chapter number 15, the united nations. so everyone, take out your sst book and open page number 98. chapter number 15 is the united nations, the un. the industrial revolution in many european countries was a period of inventions and discoveries. industrial revolution, chota. वो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में एक अविष्कार और एक डिस्कवरी का टाइम पीरियड भी था मशीन्स मेड इट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर गुड्स फास्टर चीपर एंड ऑन अ लार्जर स्केल जितनी भी मशीन्स उस टाइम पे बनाई गई थी उस टाइम पे जो भी मशीन्स थी उससे क्या होता था जितने भी जो गुड्स थे जो सामान थे उसके जो मैन्युफैक्चरिंग थी जो वो सामान बनाया जाता था वो बहुत जल्दी बनाया जाता था मशीन्स की हेल्प से वो बहुत चीप रेट पे बहुत सस्ते दामों पर बना दिया जाता था और बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी बनाया जाता था बट नाउ अ न्यू प्रॉब्लम इमर्ज लेकिन अभी एक नई प्रॉब्लम आ गई है ऑल दीज कंट्रीज लाइक ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी नीडेड मोर रो मटीरियल्स टू मैन्यूफैक्चर गुड्स जितनी भी कंट्रीज़ हैं जैसे कि ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी और इटली उनको ज़्यादा से ज़्यादा रो मटेरियल की कच्चे माल की ज़रूरत थी जिससे कि वो एक फिनिश्ड गुड बना सके काम करने का काम करने लायक एक सामान बनाया जा सके दे ऑल्सो नीडिड मार्केट्स टू सेल दुड्स और उनको ऐसे बाजारों की भी तलाश थी जहाँ पर वो उस सामान को बेच सकते थे

तलाश ने शुरू किए अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ पर जहाँ से उनको कच्चे माल मिल सकते हैं और जहाँ पर वो अपने सामान बेच सकते हैं सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड नॉट टेकन प्लेस इन एशिया एंड अफ्रीका जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो एशिया और अफ्रीका में स्प्रेड नहीं हुआ था दीज यूरोपियन कंट्रीज़ टर्न्नस टूवर्ड्स दाम तो इसी जो यूरोपियन कंट्रीज थी वे उन्हीं की तरफ गई उन्हीं की तरफ उन्होंने व्यापार करने की सोची हाउ एवर बिकॉज ईच यूरोपियन कंट्री ट्राइड टू गेट एज मनी कॉलोनीज फॉर इट्स सेल्फ एज पॉसिबल दिस सून केव इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज एशिया और अफ्रीका में जाना चाहती थी अपने रॉ मटेरियल्स के लिए अपने सामान को बेचने के लिए इसीलिए आपस में ही उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए उन यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए

टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ्स को और लोगों की बिल्डिंग्स को प्रॉपर्टीज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा द लीग ऑफ द टू प्रिवेंट अन सच वॉर द लीग ऑफ नेशन वॉज सेटअप जिससे कि दोबारा ऐसा युद्ध ना हो इसलिए एक लीग ऑफ नेशन बनाई गई बट इन नाइनटीन थर्टीन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉक आउट लेकिन फिर भी नाइनटीन थर्टीन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ the second वर्ल्ड वॉर came टू एन एंड इन 1945 फोर्टी फाइव बट इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ द वॉर दू एस ए ड्रॉप टू एटोमिक बॉम्ब और हिरोशिमा एंड नागाड वर्ल्ड वॉर 1945 में एंड हुआ लेकिन जब फाइनल स्टेज थी उस वार की तो यूएसए ने दो एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर डाल दिए जो कि दो सिटी थी जापान की मेकिंग इट इवन मोर डिस्ट्रक्टिव दैन द फर्स्ट वॉर ताकि वो उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा खतरनाक बना सके जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा तबाही हो द मनी वेस्टेड इन कलेक्टिंग एंड मेकिंग डिस्ट्रक्टिव वेपन्स फोर्स पीपल टू थिंक ऑफ अ मोर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन दैन द लीग ऑफ नेशंस टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड जितनी भी लो, मनी थी जो लोग कलेक्ट करते थे ताकि वो डिस्ट्रक्टिव uh, वेपन्स बना सकें जितने भी uh, खतरनाक हथियार वो लोग बना सकें तो लोगों ने क्या सोचा कि हम इन वेपन्स से ज़्यादा अच्छा है कि हम एक लीग ऑफ नेशन से भी ज़्यादा अच्छी सरकार बनाएं ज़्यादा अच्छी एक और चीज़ बिल्डअप करें जिससे कि पूरे वर्ल्ड में शांति बनाई जा सके formation of un a series of conference were held with uh, with led to the formation of the united nation organization uno or un at the san francisco san francisco conference in the usa on 24th october 1945 conferences ki ek series बैठाई गई जिसमें कि जब बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी तो उसके बाद एक नई संस्था बनाई गई नई एक लीग बनाई गई लीग ऑफ नेशन की तरह उससे भी पावरफुल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और वो कहाँ पर है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस जब हुई थी यूएसए में ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन फोटी फाइव को तब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ तब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एज इट इज़ कॉल्ड नाउ वॉज इनिशियली साइंड बाई रिप्रजेंटेटिव ऑफ फिफ्टी कंट्रीज़ जो यूनाइटेड नेशन है जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है एक एग्रीमेंट जो साइन किया गया था वो फिफ्टी कंट्रीज ने साइन किया है 30 1945, और इंडिया द ऑन उसको पीस एंड सिक्योरिटी इट प्रोमोट फ्रेंडली रिलेशन थ्रू कॉपरेशन अमंग डिफरेंट नेशंस यू एन का जो मेन एम था वो क्या था कि पूरे वर्ल्ड में शांति बनाई जा सके और लोगों की सुरक्षा की जा सके और पूरे वर्ल्ड में सभी नेशंस के बीच में बहुत फ्रेंडली रिलेशंस बनाए जा सकें टुडे 192 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द यूएन आज के डेट में कम से कम 192 कंट्रीज यूएन एन की मैंबर्स बनी हुई हैं मेंबरशिप ऑफ द यूएन इनेबल्स नेशंस टू ब्रिंग देयर प्रॉब्लम्स टू पब्लिक अटेंशन और जितनी भी है यू की जो भी जितनी भी नेशन हैं जो भी यू के मेम्बर हैं वो सब क्या करते हैं यहाँ पे आके उनकी एक बैठक होती है यहाँ पे आके वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं द यू एन ऑल्सो प्रोवाइड इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू मेबर कंट्रीज इफ़ दे नीड द सेम अगर किसी कंट्री को इकोनॉमिकल या टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो उसको वो भी प्रोवाइड कराते हैं एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द यू एन वॉज द एडोप्शन ऑफ द चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स इन नाइनटीन सेवेंटी फोर और यू एन का एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या भी था कि उन्होंने 1974 में उनको क्या में, क्या एग्रीमेंट बनाया गया एग्रीमेंट ऑफ या फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट दू एन फ्लैग हैज द लाइट ब्लू बैकग्राउंड विद सिंबल एट द सेंटर विच इज अ वर्ल्ड मैप सराउंडेड बाई ऑलिज यू एन फ्लैग में एक लाइट ब्लू बैकग्राउंड है यू एन का जो फ्लैग है उसका लाइट ब्लू बैकग्राउंड है और उसके बीच में एक सिंबल है वर्ल्ड के मैप का जिसके चारों तरफ ऑलिव ब्रांचेस बनाई गई हैं जस्ट लाइक यू कैन सी इन द फिगर आल्सो फिगर फिफ्टीन पॉइंट फोर ऑलिव ब्रांचेस सिंबलाइजेस पीस ऑलिचे क्या इंडिकेट करती हैं पीस शांति इंडिकेट करती है द यूएन एन हेडक्वाटर इज लोकेट इन न्यूयॉर्क सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो यू एन का जो हेडकोार्टर है वो कहाँ पर है न्यू यॉर्क सिटी में यू एस ए की न्यूयॉर्क सिटी में यू एन का हेडक्वाटर बनाया गया है ऑब्जेक्टिव द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यू एन आर यू के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड uh, पे इंटरनेशनल लेवल पे शांति और सुरक्षा मेंटेन की जा सके टू प्रमोट अमिकेबल रिलेशन अमेंग मेंबर नेशंस सभी मेंबर के नेशंस के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस बनाए जा सके टू अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे और सबकी सहमति से वो सबके कापरेशन से वो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम लोगों के राइट्स लोगों को अपने अधिकार दिए जा सकें और फंडामेंटल फ्रीडम भी दी जा सके to work together with all the nations to achieve the ऑब्जेक्ट्स of the UN sabhi nations aapas mein में मिलजुल कर काम करें जिससे कि यू एन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जा सके. द यू एन हेज बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेनटेनिंग पीस अराउंड द वर्ल्ड यू एन हमेशा ही बहुत एक्टिवली परफॉर्म करता है पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखने के लिए द यू एन प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड साइंटिफिक एक्सपर्टाइज इन वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक हेल्थ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन यू एन ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ uh, जैसे कि हेल्थ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए uh, हेल्थ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन इन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है अलग अलग कंट्रीज़ को टाइम टेक्निकल चीज़ें साइंटिफिक चीज़ें एंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ़ द यू एन इज़ द फाइनेंशियल असिस्टेंस इट प्रोवाइड्स टू डेवलपिंग कंट्रीज़ और यू एन का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या भी रहा है एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या भी रहा है कि अगर किसी चीज़ को फाइनेंशली किसी चीज़ की नीड है फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो वो उसको वो भी प्रोवाइड करा है जिससे कि वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं मेनली जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो उनको वही प्रोवाइड कराता है मनी प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराता है जिससे कि वो अपनी कंट्री को डेवलप बना सके ओके नेक्स्ट टॉपिक इज मेन ऑर्गन्स ऑफ द यू एन फर्स्ट वन इज जनरल असेंबली दिस बॉडी वर्क लाइक अ वर्ल्ड पार्लियामेंट जो जनरल असेंबली है वो वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह काम करती है इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेम्बर स्टेट्स इसमें ज्यादातर सभी स्टेट्स के मेम्बर्स इन्वॉल्व होते हैं ईच स्टेट हैज वन वोट और हर स्टेट से एक वोट जाती है जनरल वन सेशन एवरी ईयर जनरल असेंबली में पूरे साल में एक सेशन रखा जाता है कॉन्फ्रेंस रखी जाती है स्पेशल सेशन इफ नेसेसरी। कभी कभी क्या होता है कि अगर एक से ज्यादा सेशन की जरूरत है तो वो वहां पर वही वो भी प्रोवाइड कराए जाते हैं द जनरल असेंबली डिस्कसेस बजटरी मैटर्स एंड द अमाउंट ऑफ़ मनी टू बी अलॉटेड टू ईच नेशन जनरल असम्बली में क्या डिस्कस होता है जितने भी बजट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो डिस्कस होती हैं और कितनी किस कंट्री को हमने क्या अमाउंट ऑफ क्या मनी का अमाउंट प्रोवाइड कराया था क्या अलाट किया था वो सब वहाँ पर डिस्कस होता है इट ऑल्सो डिस्कस इशूज़ रिगार्डिंग पीस कीपिंग एफर्ट्स और यहाँ पर विश्व की शांति के लिए भी डिस्कशन किया जाता है सेकेंड वन है सिक्योरिटी काउंसिल इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यू एन ये यू एन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इट हैज़ फिफ्टीन माम्बर्स इसमें फिफ्टीन मम्बर्स होते हैं और हर किसी की वन वोट मानी जाती है देयर आर फाइव परमानेंट परमानेंट मेम्बर्स हु हैव द पावर टू वीटो फाइव ऐसे भी परमानेंट मेम्बर्स होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है इफ़ एनी ऑफ द फाइव मेम्बर्स वोट अगेंस्ट द मैम्बर बींग डिस्कस द मैटर इज़ नॉट पास्ट अगर फाइव में से कोई एक मेंबर भी उस जो भी चीज़ पे डिस्कशन किया जा रहा है उससे सहमत नहीं है तो वो मैटर पास नहीं होता द फाइव मेंबर्स आर वो फाइव मेंबर्स कौन कौन से हैं ब्रिटेन फ्रांस चाइना यूएसए एंड रशिया द अदर टेन आर नॉन परमानेंट मेंबर्स जो बाकी के टेन हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं द सिक्योरिटी काउंसिल सेटल्स इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स और सिक्योरिटी काउंसिल जो है जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर लड़ाई झगड़े होते हैं उन सबको सेटल करने में हम हेल्प करती है नेक्स्ट वन इज सेक्रेट्रेट द सेक्रट्रेट हैंडल्स डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द यूएन एन क्या हैंडल करती है यूएन की डे टू डे एक्टिविटीज़ हैंडल करने का काम सेक्रेटेट का होता है द सेक्रेटरी जनरल इज हेड ऑफ द सेक्रेट्रेट और सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटेट का हेड होता है ही इज़ नॉमिनेटेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ फाइव ईयर टर्म वो किसके थ्रू नॉमिनेट किया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू इसको नॉमिनेट किया जाता है और उसको अपॉइंट कौन करता है जनरल असेंबली पाँच सालों के लिए द सेक्रेटरी जनरल इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल इन द यू एन और सेक्रेटरी जनरल बहुत ही पावरफुल ऑफिशियल होता है यू एन का नाउ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द दिस बॉडी इज़ रिस्पॉसिबल फॉर कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ़ द यू एन इन मैटर्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल इशूज ऑन हेल्थ एजुकेशन कल्चर एक्सेट्रा ये जो बॉडी होती है जैसे ये जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है यू एन के जितने भी फंक्शंस होते हैं किस किस चीज़ से रिलेटेड रिले रिले जैसे कि इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं हेल्थ पे एजुकेशन पे कल्चर पे इन सब को वो डिस्कस करती है ट्रस्टीशिप काउंसिल ट्रस्टीशिप काउंसिल को कब इस्टाब्लिश किया गया था 1945 को इस्टैब्लिश किया गया था जिससे कि कंट्रीज़ की हेल्प की जा सके रिलेटेड टू सुपर पावर्स इसमें एलेवन कंट्रीज Hey, है ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंदर कितनी कंट्रीज है इलेवन कंट्रीज सिंस दे हैव गेंड इंडिपेंडेंस जब से उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की है जब से उनको आज़ादी मिली है ट्रस्ट जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो वर्क में नहीं आता वो फंक्शनल नहीं माना जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इट वॉज इस्टाब्लिश इन नाइनटीन फाइव इसको नाइनटीन फाइव में बनाया गया था और कहाँ पर हैग्यू नीदरलैंड्स इट इज़ द लीगल कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ये यूनाइटेड नेशन की एक लीगल कोर्ट है और जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं सभी स्टेट मेंबर्स के बीच या फिर जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेट्स में वो सब यहाँ पर सेटल किए जाते हैं इसमें फिफ्टीन जजेस को इलेक्ट किया जाता है पाँच सालों के लिए नेक्स्ट टॉपिक स्पेशल एजेंसीज फर्स्ट वन इज यूनिसेफ द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंडिसेफ वॉज सेटअप इन नाइनटीन फोर्टी 1946 टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू चाइल्ड विक्ट से वर्ल्ड वॉर यूनिसेफ को नाइनटीन फोर्टी सिक्स में बनाया गया था और ये उन बच्चों को खान खाना और घर प्रोवाइड कराता है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शिकार हुए थे द यूनिसेफ प्रोवाइड एड फॉर चिल्ड्रन थ्रू स्पेशल प्रोग्राम्स ऑन फैमिली प्लानिंग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर जॉब्स एक्सेट्रा द यूनिसेफ़ इस पर्टिकुलरली एक्टिव इन डेवलपिंग कंट्रीज़ जो यूनिसेफ है वो क्या प्रोवाइड कराता है चिल्ड्रेंस को आ, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है बहुत सारी उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड केयर उन्होंने मतलब जो यूनिसेफ है उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स बहुत सारे स्पेशल प्रोग्राम्स उन्होंने चलाए हैं जैसे कि फैमिली प्लानिंग के ऊपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर जॉब्स और यूनिसेफ़ पर्टिकुलरली एक्टिव भी रहता है मीनस अलग से ही एक्टिव रहता है कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में सेकेंड वन इज़ डब्ल्यू एच ओ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्कस टू प्रिवेंटिंग एपिडेमिक्स एंड प्रोवाइड मेडिकल रिलीफ द डब्ल्यू एच ओ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन परफॉर्मिंग एंड एडवाइजिंग कंट्रीज़ अबाउट पॉसिबल आउटब्रेक्स ऑफ डिजीजेज़ लाइक मलेरिया एंड ट्यूबर क्लॉसेज डब्ल्यू का क्या काम होता है कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कुछ बीमारियाँ वगैरह फैल रही हैं या फिर अलग से किसी कंट्री में कोई चीज़ कोई बीमारी फैली है तो उन सब के बारे में पता करता है वो उन सबको उन सब के बारे में एक मेडिकल मतलब मेडिकल इन्वेंशन करता है किसी चीज़ का किसी दवाई का मेडिकल रिलीफ लोगों को प्रोवाइड कराने का काम डब्ल्यू का होता है और डब्ल्यू एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे कि वो बाकी की भी कंट्रीज़ को ये चीज़ें प्रोवाइड कर प, ये चीज़ों की एडवाइस दे सके उनको इस चीज़ से रिलेटेड जो भी मेडिकल रिलीफ है वो प्रोवाइड करा सके नाउ एफ ए द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड टू फाइट हंगर एफ को किस लिए बनाया गया था जिससे कि भूखमरी को मिटाया जा सके इट एम्स एट इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फूड इसका मेन एम क्या है कि ये इम्प्रूव करें जो भी खा मतलब वो चीज़ों को इम्प्रूव करें कि कहीं पे भुखमरी ना फैले हर जगह पे प्रॉपर अमाउंट में फूड पहुंचाया जा सके यूनेस्को द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टूवर्ड्स इंप्रूविंग द लाइव ऑफ मिलियंस ऑफ़ पीपल थ्रू एजुकेशन यूनेस्को को इसलिए बनाया गया है ताकि वो मिलिय ज़्यादातर लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करा सके इट प्रोवाइड साइंटिफिक ट्रेनिंग इन बैकवर्ड कंट्रीज और इसका Meaning क्या है कि ये जो पिछड़े हुए कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लोगों को साइंटिफिक ट्रेनिंग पहुँचा सके आइए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स बेटर स्टैंडर्ड्स एंड वर्किंग कंडीशन फॉर द पीपल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से इस क्या करें प्रोमोट करें लोगों के लिए वर्किंग कंडीशन मीन जहाँ पर भी काम नहीं है वो वहाँ पर लोगों को वर्क प्रोवाइड कराएँ द यू एन हेज सेवरल अदर एजेंसी यू एन की और भी बहुत सी एजेंसी है जैसे कि यू एन एच सी आर यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आई एम एफ और इससे अलग और भी बहुत सारी एजेंसी यू एन की हैं जो कि यहाँ पर अभी डिस्कस्ड नहीं है अचीवमेंट ऑफ द यू एन द यू एन हेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेटलिंग डिस्प्यूट दैट कुड डेवलप्ड इनटू मेज़र वॉर्स, यूएन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किस चीज़ में रहा है ताकि वो सारी जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं जितनी भी डिस्प्यूट्स हैं जितने भी बड़े जो युद्ध होने के चांसेस हैं उनको सेटल कर सकें परहेप्स इट्स ग्रेट अचीवमेंट हैज़ बीन इमप्रिवेंटिंग द आउटब्रेक ऑफ द अनदर वर्ल्ड वॉर लेकिन इसका सबसे मेन अचीवमेंट यही रहा है कि उसके यू एन के बनने के बाद से कोई भी अभी वर्ल्ड वॉर इतना बड़े लेवल पर कोई वॉर किसी भी कंट्रीज के किसी भी कंट्री के बीच में नहीं हुआ है It was largely due to the efforts of the UN that the Arab Israel conflict the Indo-Pakistan war the Iran Iraq war and the Persian Gulf war remained localized wars UN ne bahut bade level pe effort kiye conflicts mainly Arab aur Israel Indo aur Pakistan ki Iran or Iraq beach, beech and Persian Gulf war The United Nations सैंस इट्स पीस कीपिंग फोर्सेज टू सेटल डिस्प्यूट्स यूनाइटेड नेशन ने अपनी बहुत सारी पीस कीपिंग बहुत बड़ी शांति बनाए रखने के लिए अपनी फोर्सेज को भेजा हुआ है और अपनी आ, उस पर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर काम किया है जिससे कि वो उन लड़ाई झगड़ों को सेटल कर सके द यू एन हैज़ ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर्म्स कंट्रोल यू एन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किस चीज़ में ताकि वो कंट्रोल कर सके जितने भी लड़ाई झगड़े हैं या जितनी भी चीज़ें हैं उनको पर्टिकुलरली इन प्रिवेंटिंग द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स और ज़्यादातर उन चीज़ों से न्यूक्लियर वीपन्स जो न्यूक्लियर हथियार बनाए जाते हैं उनसे बचाव करा सके द यू हैज़ प्रोवाइडेड रिलीफ टू द पुअर एंड द अंडर प्रिवलेज पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें जितने भी पुअर और अंडर प्रिवलेज हैं यू एन ने उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड कराई है अलग अलग चीज़ों में इंडिया पॉलिसी हैज़ ऑलवेज बीन

इंडिया यू एन का मैंबर शुरुआत से ही रहा है इट हैज़ पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मैनी ऑफ द एजेंसी और इसने बहुत सारी एजेंसीज में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है जैसे कि यूनेस्को एफ ए आई एल ओ एंड डब्ल्यू एच ओ मिसेज विजय लक्ष्मी पंडित वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली मिसिज विजय लक्ष्मी पंडित ऐसी पहली वुमेन थी जो कि जनरल असेंबली की प्रेजिडेंट रही मैनी अदर इंडियंस हैव ऑल्सो ऑक्यूपाइड प्लेसिस ऑफ़ इम्पोर्टेंस इन द यू एन और बहुत सारी इंडियंस ऐसे भी थे जिन्होंने यू एन में अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियन एक्सपर्टाइज यूटिलाइज बाई सेवरल एजेंसीज ऑफ द यू एन और इंडिया के मेनली जो एक्सपर्टीज़ थे उन सब ने यू एन के एजेंसीज में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है सिमिलरली द यू एन हेज़ ऑल्सो सेंट एक्सपर्ट टू एडवाइज़ इन ट्रेन इंडियंस इसी तरह से यू एन ने भी अपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भेजा है ताकि वो इंडियंस को ट्रेन कर सकें और उनको दे सके। सही काम की As a part of collective security promised by the UN, India has sent peacekeeping forces to Korea, Zaire, Sri Lanka, etc. to maintain peace. क्योंकि इंडिया जो यूएन था वो कलेक्टिव एक जो इंडिया थी वो कलेक्टिव सिक्योरिटी का भी एक पार्ट थी तो इसलिए इंडिया ने बहुत सारी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी कोरिया जैर इज़राइल और श्रीलंका में शांति बनाए रखने के लिए इंडिया हैड एक्सटेंडेड सपोर्ट टू साउथ अफ्रीकन पीपल एट देयर स्ट्रगल अगेंस्ट अपरथाइड इंडिया ने अपना बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इंडिया ने साउथ अफ्रीका के लोगों को ताकि वो अपरथाइड की जो कंडीशन थी वहां पे उस टाइम उससे लड़ सके रिलेशन विद साउथ अफ्रीका वर आफ्टर द पॉलिसी ऑफ साउथ अफ्रीका से रिलेशन जो थे इंडिया के वो उसके बाद अपरथाइट की पॉलिसी जब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी तो उसके बाद वो दोबारा से रीस्टाब्लिश हुए और ज्यादा मजबूत बन गए सिमिलरली इंडिया हैज एक्सटेंडेड सिंपथी एंड सपोर्ट टू दैलस्टीनियंस अगेंस्ट इसराइल ऑक्यूपेशन ऑफ देयर टेरिटरीज इसी तरह से इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट पैलेस्तियंस का भी किया है इसराइल से काम के रिलेटेड जो भी उनकी लड़ाई वगैरह थी उसमें उसने इंडिया ने पेलस्तीियंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा उनका साथ दिया है इंडिया ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यू एन इज़ हर फॉरन पॉलिसी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ़ नॉन अलाइनमेंट इंडिया ने अपना यू एन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एक और चीज़ में दिया था जो क्या था फॉरन पॉलिसी थी इस पर बेस नॉन अलाइनमेंट पे बेस्ड और इस पॉलिसी में बहुत सारे लीडर्स थे जैसे कि इंडिया से जवाहरलाल नेहरू इन्वॉल्व थे यूकोसलेविया से जोसेफ ब्रॉसचिटो एंड इजिप्ट से गमाल अब्देल जिन्होंने इंडिया को आज़ादी दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है दे डिड नॉट जॉइन इधर ऑफ द टू पावर ब्लॉक्स इन द वर्ल्ड एट द टाइम और उन्होंने टू पावर जो इंडिया जो कि ये लीडर्स थे इन्होंने दो पावर ब्लॉक्स वर्ल्ड में थे उस टाइम भी यूएसए और फोमा यूएसएसआर उन्होंने उसको भी साफ़ मना कर दिया था उसका भी कोई साथ नहीं दिया द नॉन अलाइन कंट्रीज प्रॉमिस टू कॉपरेट विद ईच अदर फॉर वर्ल्ड पीस जितनी भी नॉन अलाइं कंट्रीज थी उन सब ने प्रॉमिस किया कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगी वर्ल्ड की शांति बनाए रखने के लिए बाय डूइंग सो दीज कंट्रीज़ हैव बीन एबल टू यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेदर दैन फॉर वेस्टफुल मिलिट्री एक्सपेंडिचर और ये जो कंट्रीज थी उन्होंने एक और चीज़ डिसाइड की कि वो जितने भी रिसोर्सेज थे उनको अपने कंट्री कन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी यूज़ करेंगी और किसी भी वेस्टफुल मिलिट्री एक्सपेंडिचर मिलिट्री के वेपन्स पे उनको स्पेंड नहीं करेंगी उन पर उनका कोई खर्चा नहीं करेंगी ओके नाउ वी हैव टू रीड दिस चैप्टर इन ब्रीफ द लीग ऑफ नेशन वॉज प्रॉपर्टी बट इट इन इफेक्टिव लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था जिससे कि लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचे बट ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रही द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्ड ऑन ट्वेंटी फोर अक्टूबर फोर्टी फाइव यू एन को कब बनाया गया ट्वेंटी फोर अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फाइव को और इसका जो हैडक्वार्टर है वो यूएस की न्यूयॉर्क सिटी में बनाया गया है The UN has played an important role in settling national international disputes. UN ने अपना बहुत important role play किया है international disputes को control करने के लिए उनको settle करने के लिए. The UN provides technical and financial assistance to developing countries. UN ने जितनी भी developing countries हैं उनको technical और financial assistance provide कराए हैं जिससे कि वो countries भी develop हो सकें. द मेन ऑर्गन्स ऑफ यू एन आर यू एन के मेन ऑर्गन्स कौन से हैं जनरल असम्बली सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेट्रेट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल द सेक्रेटरी जनरल ऑफ़ द यू एन इज द हाइएस्ट ऑफिशियल जो यू एन का सेक्रेटरी जनरल हो, होता है वो उसका हाइएस्ट ऑफिशियल मैंबर है द यू एन हेज सेवरल इंडिपेंडेंट एजेंसीज यू एन की बहुत सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को असिस्टेंस प्रोवाइड कराने का काम करती है उनको डेवलप बनाने का काम करती हैं इंडिया हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ द यू एन सप्शन इंडिया यू एन की मेम्बर्स शुरुआत से ही रही है मिसिज विजय लक्ष्मी पंडित ऐसी पहली वुमेन थी जो कि जनरल असम्बली की फर्स्ट प्रेजिडेंट इलेक्ट हुई थी द नॉन अलाइन मूवमेंट वॉज स्टार्टड बाई नॉन अलाइन मूवमेंट कहाँ के लीडर्स के थ्रू स्टार्ट किया गया था इंडिया यूगोस्लेविया एंड इजिप्ट और नॉन अलाइन कंट्री का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी दो पावर ब्लॉक्स बनाए गए थे उनके रिसोर्स को उन्होंने निगलेक्ट कर दिया था उस टाइम पे और उन, उन जो भी उनकी रिसोर्स थे उन्होंने अपनी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनको यूज़ किया ओके नाउ आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा सो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली ओके थैंक यू बाय बाय